हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि अभी मॉर्निंग के 6 o'clock हुआ है एंड मैं हर दिन अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाती हूँ। एंड आज मैं आपके साथ अपना जो डेली का जो दिन भर का रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ आपका अपना डेली का ब्लॉग शेयर करूँगी। मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलाऊँगी और सबसे पहले आप सबके लिए सुबह से जय जिनेन्द्र। एंड आज मैं आपके लिए बता दूँ, आज हम सभी के लिए बहुत स्पेशल डे है। आज हमारे जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी। आज उनका जन्म जयंती महोत्सव आज हम लोग मनाएंगे। एक ये हम लोगों ये वाला जो डे होता है ये हम लोगों के लिए एक फेस्टिवल के की तरह ही होता है। हम सभी जैन इसके लिए फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। बट क्योंकि अभी कोरोना इतना ज़्यादा फैला है एंड अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो हम लोग अभी सारे मंदिर यहाँ के हमारे यहाँ के क्लोज़ हैं। सो मंदिर तो अब मंदिर में तो कोई प्रोग्राम्स हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग अपने अपने घर में ही बहुत अच्छी तरीके से भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महावीर जयंती सेलिब्रेट की, हम लोग ने किस तरीके से महावीर जयंती मनाई है। एंड चलिए अब मैं सबसे पहले सुबह से उठकर ऊपर अपनी छत पर जाती हूँ और जो मेरे छोटे छोटे से प्लांट्स हैं मैं उनमें सबसे पहले उठकर पानी देती हूँ। तो चलिए साथ में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी घर की छत पर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरे यहाँ से मेरे घर की छत से जो मंदिर जी की शिखर है वो बिल्कुल थोड़ी सी दिखती है। तो सबसे पहले मैं मंदिर जी की शिखर को नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। त्रिशला नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। हैप्पी महावीर जयंती टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए अब मैं सबसे पहले अपने ट्रीज़ में प्लांट्स में पानी दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यहाँ कौन कौन से प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने छोटा सा, ये बहुत छोटू सा प्लांट है, अभी ये मिंट है, ये पुदीना है। अभी ये थोड़ा थोड़ा ये बड़ा हो रहा है। ये ग्रीन चिली है, ये भी बहुत छोटा सा है। ये सो प्लांट है, ये भी बहुत छोटू सा है अभी। एंड ये पिंक कलर का रोज़ है, इसमें ये थोड़ा आ रहा है, जो रोज़ेस हैं वो अभी खिले नहीं हैं बट ये बहुत छोटू सा, ये पिंक कलर का रोज़ है मेरा। एंड ये तुलसी का पेड़ है मेरा। एंड ये मनी प्लांट है मेरी। एंड ये जो अजवान का प्लांट होता है ये वो है मेरा, छोटू सा अजवान का प्लांट है ये मेरा। अजवान का प्लांट घर में लगाना अच्छा रहता है। एंड ये सो प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है देखने में एंड ये बहुत यूज़फुल भी होता है। एंड ये कड़ी पत्ता है जिसे हम नीम भी बोलते हैं। एंड ये एक और मेरा ग्रीन चिली का प्लांट है, इसमें छोटी छोटी सी और भी छोटे छोटे से ग्रीन चिली के ही प्लांट्स आ रहे हैं। एंड ये मेरा रेड रोज़ है, वो मेरा पिंक कलर का था, ये मेरा रेड कलर का रोज़ है। एंड ये मेरा छोटू सा ये टमाटर का प्लांट है। अभी एक मेरे सारे भी प्लांट्स बहुत छोटे छोटे से हैं। एंड ये मेरा एक और मिंट मींस पुदीना का ही छोटा सा प्लांट्स है, इसमें काफ़ी सारे पुदीने लगे हैं। और ये मेरा छोटू सा ये एलोवेरा है, ये अभी बहुत छोटा है, मैंने अभी लगाया है। एंड ये एक, इसको धूप रानी बोलते हैं, जब ये धूप निकलती है इसके तब फ्लावर्स तभी खिलते हैं, ये इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। लेकिन जब धूप चली जाती है तो ये सारे फ्लावर्स अपने आप बंद हो जाते हैं एंड जब धूप आ जाएगी तो ये फिर से अपने आप अच्छे से खिल जाएंगे। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत छोटे छोटे से इसकी ये फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर कलर्स के होते हैं। सो चलिए अब हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। जैसा मैंने बताया था, मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये है मेरी मम्मी और दर्श अभी सो रहा है और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मंदिर गए हैं सुबह से जल्दी, क्योंकि मंदिर भी खुलते नहीं हैं, लेकिन जल्दी से जाके दर्शन करके अभिषेक करके आ जाएंगे। और पापा हैं जो अभी वो सो रहे हैं, तो अभी हम दोनों जो हैं वो थाली बजा कर सुबह से महावीर जयंती सेलिब्रेट करेंगे। जय जय
गोविंद, बोलो हैप्पी महावीर जयंती। हैप्पी महावीर जयंती। कृष्णानंदन वीर की जय। बोलो महावीर की। हैप्पी महावीर जयंती टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ अब, एंड मैं सबसे पहले रेडी होकर मंदिर जाऊँगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मंदिर अभी सारे मंदिर अभी क्लोज हैं, लेकिन बाहर से दर्शन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें जितना मिले उतना ही सफिशेंट होता है। तो हम सभी अभी बाहर से ही दर्शन करके वापस आ जाते हैं मंदिर के। तो ठीक है, बाहर से दर्शन बहुत है, जितना मिल जाता है उतने में सफिशेंट होना सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको मिलती हूँ मंदिर से आने के बाद। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है मास्क। सो क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, सो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपको। सो गाइस, अब मैं मंदिर से लौट के आ गई हूँ, और अब सबसे पहला काम वापस आने के बाद घर के बाहर रंगोली डालना है। तो चलिए मैं सबसे पहले रंगोली बना देती हूँ। नीरस के चंदा तुमसे हम करते हैं विनती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखती। ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया, त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ न कि भैया के फिर से जन्म लोना, गले से लगा लो। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पी, सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाए नी। आने वाले कल की देख के धुंधली ही तस्वीर, वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहा महावीर, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बजे हैं, और हम लोग सभी घर के मेंबर्स हैं वो सब रेडी हो गए हैं, और अब हम लोग सब बैठ के एक साथ बैठ के भगवान महावीर स्वामी की पूजन करेंगे। और अब मैं आपको अपने दर्द भी सोकर उठ गया है, तो मैं आपको दर्द से मिला देती हूँ। बोलो जय जिनेन्द्र। बोलो हैप्पी महावीर जयंती। और मेरे पापा जी भी हैं, ये इस साइड देखो ना, पापा जय शंकर, जय जिनेन्द्र। और ये मम्मी, और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए सब हम लोग सब मिलके भगवान महावीर स्वामी की पूजन करेंगे।
और हमने महावीर अष्टक भी पढ़ लिया है। और आज महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी घर वालों की यही प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और भगवान महावीर स्वामी की कृपा सब पर अच्छी बनी रहे और इस दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, आज जैसा आपको पता है आज हमारा बहुत ही मेन फेस्टिवल है महावीर जयंती। सो आज मैंने उसमें अपने घर पर इडली बनाई है और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट भी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। मैं आपको अपनी इडली का वीडियो कुकिंग वाले वीडियो में डाल दूँगी और मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि जैसे वैसे भी हम लोग जैन हैं तो हम लोग बिना आलू और प्याज का ही खाना खाते हैं। तो और आज हमारा जो फेस्टिवल है उसके लिए जैसे हम नॉर्मली तो जैसे हम अपने घर पे भी अपने बच्चों के बर्थडे पर कुछ स्पेशल डिश बनाती हैं, सो आज मैंने भी अपने महावीर स्वामी के जन्मदिवस पर इडली बनाई है बिना आलू बिना प्याज बिना लहसुन के, क्योंकि हम लोगों के यहाँ वैसे भी ये नहीं चलता है आलू प्याज लहसुन। सो बहुत यम्मी इडली बनी है और मैं आपको अपनी इडली का वीडियो अपने कुकिंग वाले वीडियो में से डाल दूँगी। देखिए कितनी यम्मी वीडियो इडली बनी है। सो चलिए अब हम सब मिलके एक साथ अपनी टेस्टी सी इडली खाते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है कहो हम जैन है। लेकर पुण्य। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बजे है और हम लोगों का शाम का खाना हो गया है। हम लोग वैसे भी जैन है तो जल्दी ही खा लेते हैं और आज महावीर जयंती है तो हम लोगों ने और जल्दी खा लिया है अभी। और बस अब शाम का खाने के बाद आज हम लोगों ने महावीर जयंती के अवसर पर घर में ही घर के खोबरे के ही बने रसगुल्ले बनाए थे। तो चलिए भगवान के बर्थडे पर कुछ मीठा हो जाए तो मैं आपको भी खिला देती हूँ। और देखिए ये हम लोगों के रसगुल्ले, और ये इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपनी कुकिंग वीडियो में ही डाल दूंगी। और अब हम लोग सब बैठ के एक साथ रसगुल्ले खाएंगे। भगवान हैप्पी बर्थडे टू यू महावीर भगवान। सो फ्रेंड्स, अब अभी इवनिंग के 6 o'clock हुए हैं एंड अब हम सभी भगवान महावीर स्वामी की आरती करेंगे और उसके बाद भक्तमर जी का पाठ करेंगे और उसके बाद अपने पूरे घर में दीपक रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम महावीर स्वामी भगवान की आरती। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, ऋषला ज्ञान ज्योति जारी।
जग में पाठ अहिंसा आरती हो गई है और हम लोगों ने भक्तामय जी का पाठ भी पढ़ लिया है और हम लोगों ने अपने पूरे घर में दीप प्रज्वलन करने के बाद अपने दीपक भी रख दिए हैं अपने पूरे घर में। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग महावीर जयंती स्पेशल। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही और भी ब्लॉग लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय। जय जिंदाबाद। जय जिंदाबाद। जय जिंदाबाद। जय जिंदाबाद।